आज मेरा टॉपिक है पुराने समय में पीने के पानी को रखने और ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तनों के पीछे इतना जबरदस्त विज्ञान है कि आप जानकर हैरान हो जाओगे। और हाँ, ये जानना तो सबसे जरूरी है कि कौन से मिट्टी के बर्तन लेने चाहिए। बहुत सारे फैंसी मिट्टी के बर्तन लोगों में कैंसर का कारण बन रहे हैं, उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। दरअसल हम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और हम मॉडर्न कंफर्टेबल लाइफस्टाइल अपनाने के लिए जीने के पुराने तरीके छोड़ रहे हैं। इस आराम के बदले में जो कीमत हमें देनी पड़ रही है वो है हमारा स्वास्थ्य। और आज का मेरा लक्ष्य है जन जन को वापस पुरानी, सटीक और सबसे उत्तम तरीके से वापस जोड़ने का। क्या आप इस पुण्य कार्य में मेरे साथ हो? राइट यस इन द कॉमेंट बॉक्स। और अभी के अभी इस वीडियो को लाखों के भले के लिए आगे से आगे पहुंचाएं। ह्यूमन बॉडी एसिडिक नेचर की है, जबकि मिट्टी के बर्तन बनाने में इस्तेमाल होने वाली मिट्टी एल्कलाइन प्रकृति की होती है। तभी तो सही घड़े का चुनाव महत्वपूर्ण है। और जब यह एसिडिक पानी यानी अशुद्ध पानी के साथ इंटरैक्ट करती है तो यह पीएच लेवल को मेंटेन रखने में मदद करती है, जिससे इसे पचाना आसान हो जाता है। एक अद्भुत बात मिट्टी के मटके के बारे में यह है कि ये पानी को उतना ही एल्कलाइन कन्वर्ट करती है जितनी शरीर की मांग होती है, न उससे ज्यादा न उससे कम। है ना अद्भुत? यही कारण है कि मटके का पानी पीने से एसिडिटी और पेट की समस्याओं को दूर रखने में मदद मिलती है। इस पानी को पीने से आपका गला कभी भी खराब नहीं होगा, जो अक्सर फ्रिज के पानी से होता है। आपको रेस्पिरेटरी डिजीजेस कभी नहीं होंगे। जब हम प्लास्टिक की बोतलों में रखा पानी पीते हैं तो उसमें बिस्फेनल ए यानी बीपीए जैसे जहरीले रसायन होते हैं, जो शरीर को कई तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। जबकि मिट्टी के बर्तन का पानी पीने से टेस्टोस्टेरोन का स्तर संतुलित रहता है। इट मींस इट इज मस्ट फॉर मेन। और हाँ, आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म भी बेहतर होता है। सन स्ट्रोक एक बहुत ही आम समस्या है जो गर्मियों में बहुत से लोगों को होती है। मिट्टी के बर्तनों में स्टोर्ड पानी से विटामिन्स और मिनरल्स शरीर में ग्लूकोज के स्तर को बनाए रखने में मदद करेंगे और आपके शरीर को जेंटल कूलिंग इफेक्ट प्रदान करते रहेंगे। डिटॉक्सिकरण के जरिए हम अपने शरीर में मौजूद गंदगी को बाहर करते हैं। इसके लिए लोगों के द्वारा अलग अलग ड्रिंक्स का सहारा लिया जाता है। वहीं मिट्टी के घड़े में स्टोर किए गए पानी को अगर पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो यह शरीर में मौजूद गंदगी को बाहर करने के लिए लाभदायक असर दिखा सकती है। आप चाहें तो इसका सेवन करके इससे होने वाले फायदे को खुद ही महसूस कर सकते हैं। मिट्टी में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जिसके वजह से शरीर में दर्द, सूजन जैसी समस्याएं नहीं होती। अब सही घड़े का चुनाव कैसे करें? मैंने भी अपने घर के लिए कुछ दिन पहले ही एक मटका खरीदा है। ये देखिए, हमने कुछ इस तरह से घड़ा सिलेक्ट करना है। मिट्टी का घड़ा लेना है। मेक श्योर कि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ना हो। व्हाइट कलर वाले घड़े अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो भी कैंसरस है, उसमें पानी पीना। तो इस तरह से घड़ा सिलेक्ट करना है। हो सकता है आपको शहर में ना मिले, तो आपको थोड़ा हटकर जाकर विलेजेस से लेना पड़े। तो मैं भी आज एक विलेज में आई लेने के लिए। ये इस तरह से इन्होंने कलर किया हुआ है ताकि इसमें पानी ठंडा रहे। तो मैंने ये सिलेक्ट किया है आज अपने घर के लिए। और इसके साथ एक ढक्कन भी है और इसको कवर करके रखा है। सुनिश्चित करें कि आप सफेद मिट्टी के बर्तन नहीं खरीदें, जो देखने में तो सुंदर लगते हैं लेकिन होते हैं हानिकारक। स्टे सिंपल, स्टे हेल्दी शुड बी द अल्टीमेट गोल। जिंदगी में सादगी को मैंने यूं अपनाया है, मटके का ठंडा पानी और उसकी सौंधी खुशबू से जीवन सजाया है। मे गॉड हेल्प यू लिविंग सिंपल एंड हेल्दी लाइफ। टेक केयर।